हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद ने योग, राजयोग तथा ज्ञान योग जैसे ग्रंथों की रचना करके युवा जगत को एक नई राह दिखाई है, जिसका प्रभाव जनमानस पर युगों युगों तक छाया रहेगा। देश के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता की कायस्थ जाति में हुआ था। वे एक अपर मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटी भेजा गया, जहां उन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी, साइंस आदि की जानकारी दी गई। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जल्द ही वे रामकृष्ण के सबसे नामी शिष्यों की लिस्ट में शुमार हो गए। उन्होंने ब्रह्म समाज ज्वाइन किया, जिसका उद्देश्य बाल विवाह और अशिक्षा को खत्म कर लोअर क्लास और महिलाओं के बीच शिक्षा को पहुंचाना था। विवेकानंद का हिंदू धर्म और अध्यात्म के लिए गहरा लगाव था। स्वामी विवेकानंद के पिता की मृत्यु और परिवार की जिम्मेदारी की अगर हम बात करें, तो समाज सुधार स्वामी विवेकानंद के विचारों का एक अभिन्न अंग बन गया था। 1884 में पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। उन्होंने रामकृष्ण को अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि उन्हें खुद जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। स्वामी ने ऐसा ही किया और मंदिर में प्रार्थना करने पहुंच गए और अपने लिए विवेक और वैराग्य मांगा। उसी दिन से नरेंद्रनाथ दत्त एक तपस्वी के जीवन के प्रति आकर्षित हो गए। तो चलिए अब हम लोग विश्व धर्म संसद और विवेकानंद के बारे में बात करते हैं। भटकते समय स्वामी को विश्व धर्म संसद के विषय में पता लगा। विश्व धर्म संसद 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित किया जाना था। स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी कि वह विश्व धर्म संसद में भाग ले और भारत और उनके गुरु के विचारों को दुनिया तक पहुँचाएं। हालांकि शिकागो तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके संकल्प ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब विवेकानंद ने अपना माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका जैसे शब्दों के साथ भाषण दिया, तो पूरी ऑडियंस ने उन्हें खड़े होकर सराहा, यानी कि स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वे अगले 2 सालों तक अमेरिका में ही रहे और 1894 में वेदांत सोसाइटी की खोज की। इसके साथ ही उन्होंने यूनाइटेड किंगडम तक सफर किया, जहाँ उन्होंने वेदांत और हिंदू अध्यात्म के सिद्धांतों के विषय में उपदेश दिया। स्वामी विवेकानंद के योगदान तथा महत्व की अगर हम बात करें, तो 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। उनके ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। प्रत्यदर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया। उन्हें दमा और शुगर के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों ने घेर रखा था। उन्होंने कहा भी था, ये बीमारियां मुझे 40 वर्ष की आयु भी पार नहीं करने देंगी। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यानमग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। उनके शिष्यों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। थैंक यू।